दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आज मैं अपना पहला व्लॉग बनाने जा रहा हूँ और आज हम जा रहे हैं किसी स्पेशल जगह पर। तो आप मेरे साथ मेरा पूरा व्लॉग देखिए, नहीं आपको पता जी, चलेगा आपका कि मुंह मैं थोड़ा कहाँ सा पर लटका गया हुआ था। आज। अरे रे रे रे, फिर आपको टेंशन क्या है नौकरी की? नहीं टेंशन ही टेंशन है भाई, जैसे आपको टेंशन है वैसे टेंशन है। नहीं राम राम। राम राम। ठीक है, कोई क्यों, नहीं किस बात की टेंशन भाई? आपकी शादी कोई शुद्धि नहीं होगी यार, देख कोई ले भाई, कभी भाई बस गुजारा हो जाता है। गुजारा हो जाता है। हाँ भाई, और क्या क्या इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करी हुई है भाई आपने? कुछ नहीं, अभी तो कहीं नहीं है कुछ अरे खास। बताओ भाई आप। अरे कहीं खास नहीं, नहीं। दिखा रहा हूँ भाई मैं। हमारी डाइनिंग टेबल देखो, पहला था चैनल माय यूट्यूब। ये वो खाने की जगह नहीं है बस, और सारी जगह है, बस खान खान की नहीं बैठ गए। हमारा नाश्ता हो गया तैयार भाई, ब्रेड विद चाय, जो कि हमारे जयंत भाई ने हमारे लिए बना के दिए हैं। मैंने बना के दिए, हम आपका बहुत बहुत है। नहीं नहीं यही सुन बड़ा। ये है मेरे साथ अक्षय भैया और मेरे दोस्त, आपका नाम बताइए क्या है? आपका नाम क्या है? जयंत सिंह गौड़, सॉरी जयेश भाई जोरदार, इनका नाम है जयेश भाई जोरदार। ओके, और गाइस तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए, तो हम आपको बताते रहेंगे आगे हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अक्षय भाई आप भी मेरे साथ हो बताने के लिए, जयंत भाई आप भी मेरे साथ हो, व्लॉग में बने रहिए एंड तक। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। सोसाइटी से निकलते हुए गाइस, देखिए भाई खरड़ का हाईवे है गाइस। तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं, ये देखो वेदर बिल्कुल क्लियर है, क्या सुंदर वेदर है, बहुत है। जी तो नहीं कर रहा, जाने का पर जाना पड़ रहा है। बिल्कुल सर, तो ये काम ऐसा है, क्या करें, बिने रोजगारी के काम नहीं होता, काम तो करना ही पड़ता है गाइस। और देखते हैं। हाँ भाई कहाँ जा रहे हो अभी, कहाँ पहुँच गए आप? अभी हम रास्ते में चलते हैं यार, दोस्तों बहुत ट्रैफिक है इधर, भाइयों ट्रैफिक में मनाली चलोगे भाई? जा ही रहे हैं भाई, रास्ता मनाली जा रहा है, आपने पहले ही बता दिया लोगों को हम मनाली जा रहे हैं। यार शिट, यार शिट, 290 किलोमीटर बस बस पहुंचने वाले हैं, कुछ 292 किलोमीटर भाई। जोरदार को ये अलग ही अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, वीडियो बना ले भाई अपने नजारे। अच्छा वो नजारे ले रहे हैं भाई, नजारे लेने जरूरी है गाइस। भाई हमारा कितनी देर का सफर है सागर शर्मा भाई? अभी तो हमने शुरू किया गाइस, अभी देखते रहिए, पूरा दिन है अपने पास, पूरा रात है अपने पास, देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाते हैं गाइस। तो आप लोगों को दिखाते रहेंगे, नई नई जगह बनी रहेगी हमारे साथ, हमारे भटकने के साथ आपकी हंसियाँ साथ दिखती रहेंगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा ब्लॉग। तो भाई सागर शर्मा कितनी देर में हम डैम पे पहुँचने वाले हैं? बस दोस्तों थोड़ा और इंतजार करिए, हम आपको दिखाते जाएंगे, बस कुछ देर की और मात्र 7 किलोमीटर रहता है, 7 किलोमीटर भी आया, 7 किलोमीटर में बस पहुंचने वाले हैं हम गाइस, 7 किलोमीटर रहता है। और ये हमारी देखिए जयेश भाई जोरदार गाड़ी में बैठ के भी है, अपने कानों से कभी भी बस निकालते है ना, इनके गाड़ियां लगी चलते रहते हैं, गाड़ी में क्या चलता है इनको कुछ नहीं लेना देना उस चीज से, इनकी दुनिया अलग है गाइस। ये तो अलग ही दुनिया से आए हैं, तभी तो इनका नाम ही अलग है, जयेश भाई जोरदार। अगर इनका चैनल आता है तो उसको जरूर फॉलो करें, जयेश भाई। ये देखिए गाइस कैसा बेहतर हो चुका है, बिल्कुल बहुत रंगीन, जैसे जैसे हम पहाड़ों के करीब जाते जा रहे हैं मौसम बिल्कुल खूबसूरत होता जा रहा है, बहुत 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 अच्छा मौसम है, ट्रेवल करने में भी मजा आ रहा है। बस हम अपने डेस्टिनेशन से 6 किलोमीटर दूर रह चुके हैं बस, और वो डैम सागर जी आपको डैम दिखाने वाले, बहुत बड़ी डैम है यहाँ की गाइस। मैं आपको बताना चाहूंगा उस डैम के बारे में, एक बहुत पुरानी बात है कि वो डैम इतनी बड़ी है कि उसमें कोई भी मच्छी नहीं मार सकता, कोई भी मच्छी नहीं मार सकता, इतनी बड़ी डैम है कोई मच्छी नहीं मार सकता, कोई कूद नहीं सकता उस डैम में, अगर कूद गया तो आराम पार हो जाएगा गाइस। बहुत बड़ी डैम है, हमारे वहाँ पे जू भी है, जू भी है बिल्कुल गाइस, बहुत अच्छा है, ट्रैकिंग करने के लिए जू कैसा होता है, हम आज वहीं पे जा रहे हैं बिल्कुल, वहाँ ट्रैकिंग भी है, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखिए हमारा व्लॉग। दोस्तों ये पहाड़ों के बीच में सीएनजी पंप अवेलेबल है, थोड़ा हम गाड़ी को खाना खिला देते हैं फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। जिस चीज का आपको इंतजार था दोस्तों वो उसके बिल्कुल सामने है, देखिए वो डैम के ऊपर लिखा हुआ है, नाम पढ़ लीजिए, ये देखिए जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, सेसवाट डैम, बहुत बड़ा डैम है, इंडिया का 10वें नंबर का डैम है ये, बिल्कुल बिल्कुल, छोटी सतलुज के ऊपर बना है ये,
ये आ चुका है दोस्तों सिसवा कम्युनिटी रिजर्व। ये देखिए दोस्तों इधर है सिसवा डैम। ये देखिए दोस्तों भैरव बाबा का मंदिर है। भोले बाबा की जय जय। ये देखिए गाइस नजारे। और ये अमान ने पहुंच चुके हैं बस अपने डेस्टिनेशन पर जिसका नाम है, क्या नाम है भाई? बद्दी। बद्दी, बद्दी कहाँ पड़ता है ब्रो? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है बद्दी। यस। चुके हैं अपने फ्लैट पर। कैसा लगा व्लॉग? लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।